उसके बाद आप इसको या तो यहाँ पर से डायरेक्ट लॉग इन कर लेंगे या फिर ब्लॉगर खोलेंगे डायरेक्ट blogger.com। देखिए यहाँ लिखा हुआ है blogger.com। तो जैसे आप ये लिखते हैं और उसके बाद एंटर मारते हैं तो आप यहाँ ब्लॉगर की स्क्रीन में पहुंच जाएंगे। आपके पास ये पहले इसमें लॉगिन करने को बोलेगा, आप अपना आईडी और पासवर्ड डाल लीजिए जीमेल का और इसमें लॉगिन कर लीजिए। तो जैसे आप लॉगिन करते हैं तो आपके पास फर्स्ट टाइम अगर आप लॉगिन करते हैं तो आपके पास ये वाली स्क्रीन नहीं आएगी, आपके पास ये वाली स्क्रीन आएगी जिसमें अगर आपके पास जीमेल गूगल प्लस में आपने अकाउंट बना रखा तो वहाँ पर आपकी इमेज बनी हुई आएगी और आपका नाम लिखा हुआ आएगा और ये पूछेगा कि आप आपकी जो प्रोफाइल है वो आपको आपका जो नेम है वो ऐसे दिखेगा। तो आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स भी आएगा, आप उसमें अपना नाम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर कंटिन्यू टू ब्लॉगर में क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं तो फिर आप यहाँ पहुँच जाएंगे। जैसे यहाँ पहुँच जाते हैं तो मैंने अभी एक ब्लॉग बना रखा है तो आपको मैं बताता हूँ कि आपने नया ब्लॉग कैसे बनाना है। तो उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर ही देखिए न्यू ब्लॉग लिखा हुआ है, आपने सिंपली इसमें क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं तो ये आपसे दो चीज़ें पूछ रहा है, एक तो आपसे टाइटल पूछ रहा है, दूसरा आपका एड्रेस। टाइटल क्या होता है, टाइटल आपका होता है मतलब टाइटल और एड्रेस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एसईओ के पर्सपेक्टिव से। तो आपको ये ढंग से बनाना होगा, जो आप टाइटल में बनाएंगे वही आप अपने एड्रेस में भी बनाएंगे। तो जैसे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको एसईओ के हिसाब से हम थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं। तो मान लीजिए अगर आप फुटबॉल के टीचर हैं और आप फुटबॉल के टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ढूंढ सकते हैं कि क्या लोग क्या सर्च क्या कर रहे हैं एक्चुअली। तो आप जैसे यहाँ पर डालेंगे फुटबॉल, ये देखिए जो ये इंस्टेंट ये दिखा रहा है आपको, ये कीवर्ड दिखा रहा है, ये इसका मतलब है कि लोग ये चीज़ें सर्च कर रहे हैं। तो जैसे फुटबॉल टिप, देखिए फुटबॉल टिप्स लोग सर्च कर रहे हैं, फुटबॉल टिप्स एंड ट्रिक्स सर्च कर रहे हैं, फुटबॉल टिप्स इन हिंदी में भी सर्च कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें लोग सर्च कर रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, फुटबॉल टिप्स के नाम से डोमेन लेने की कोशिश करते हैं, फुटबॉल आप इसको कैपिटल में लिख लीजिए क्योंकि ये आपका टाइटल होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या ये अवेलेबल है या नहीं है, किसी ने एक्वायर तो नहीं कर रखा फुटबॉल। तो देखते हैं यहाँ पर चेक करते हैं, ये अभी आपको बता देगा ये चेक कर रहा है, देखिए ये अवेलेबल नहीं है। फुटबॉल टिप्स हमने करा था तो हम इसको करते हैं फुटबॉल टिप्स, ये भी अवेलेबल नहीं है, ये भी अवेलेबल नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ वर्ड लगाते हैं आगे, जैसे फ्री फुटबॉल टिप कर देते हैं, ये भी अवेलेबल नहीं है। तो हम फ्री को हटाते हैं, हम इसमें लगा देते हैं कुछ और, जैसे हम लगाते हैं इजी इजी फुटबॉल टिप, देखिए ये अवेलेबल है, आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो मैं फुटबॉल टिप्स नहीं देता हूँ। तो हम क्या करते हैं, एक हम बनाते हैं लर्न ब्लॉगर इन हिंदी बना लेते हैं, ब्लॉगर इन, अब देखते हैं कि ये हमारे पास अवेलेबल है। तो आप ये क्या कर, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि आप इसको जितना शॉर्ट बनाएंगे और शॉर्ट बनाएंगे तो वो इजी टू रिमेम्बर होगा, अगर ज़्यादा लॉन्ग बनाएंगे तो वो रिमेम्बर करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग बना रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, वो मीनिंगफुल बनाना होगा। तो ये लर्न ब्लॉगर इन हिंदी ये सर्च किया जाता है, इसलिए मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। तो अब हम यहाँ चेक कर लेते हैं लर्न ब्लॉगर इन हिंदी, तो हम इसको लेने की कोशिश करते हैं, देखिए क्या ये अवेलेबल है, हाँ ये अवेलेबल है, तो हमको ये मिल गया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है टेम्पलेट, टेम्पलेट वो होता है जो आपकी ब्लॉगर की थीम होगी। जैसे हमारी ये टेम्पलेट इसमें भी आप इसको बाद में भी आसानी से चेंज कर सकते हैं, तो वो हम इसके नेक्स्ट वाले ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि ब्लॉगर की थीम को कैसे चेंज करते हैं और इसको कैसे कस्टमाइज भी करते हैं, ये भी हम इसमें सीखेंगे। तो अभी फिलहाल हम इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें कुछ सैंपल दिए हुए हैं, जैसे सिंपल दे रखा है, ये डायनेमिक भी दे रखा है, पिक्चर विंडो दे रखी है। तो अगर आपकी पिक्चर से रिलेटेड आप कोई ब्लॉग बना रहे हैं जिसमें आप पिक्चर्स डालेंगे इमेजेस डालेंगे तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको अभी फिलहाल सेलेक्ट कर लेते हैं और आपने क्या करना है उसके बाद यहाँ पर ये क्रिएट ब्लॉग में क्लिक करना है। तो क्रिएट ब्लॉग में हम क्लिक कर लेते हैं तो हमारा जो ब्लॉग है वो क्रिएटिंग अ ब्लॉग बन रहा है, गूगल इसको बना रहा है। तो ये जैसे बनकर रेडी हो जाता है
तो हमारा ब्लॉग यहाँ पर आ गया है, देखिए लर्न ब्लॉगर इन हिंदी, ये हमारा ब्लॉग बन गया है। तो मैं आपको उसको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, इसका इंटरफेस बताता हूँ कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं। तो सबसे पहले ब्लॉगर में क्या है, यहाँ पर एक ये आपका लैंग्वेज दिया है, आपने इसमें से लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो लैंग्वेज यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम है, तो हम यूनाइटेड किंगडम में ही यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने सेलेक्ट करा और ये उसके बाद यूनाइटेड स्टेट हो गया। उसके बाद यहाँ पर जितने ऐसा है कि आप अपने एक जीमेल अकाउंट से कितने भी मल्टीपल ब्लॉग बना सकते हैं, कितने भी नहीं, जो मैक्सिमम लिमिट है वो 100 है। आप 100 तक का 100 ब्लॉग तक का अपने एक जीमेल अकाउंट से बना सकते हैं। तो अभी हमने कितने बना लिए हैं, 2 बना लिए हैं, एक लर्न ब्लॉगिंग ऑनलाइन इजीली बना लिया है और एक लर्न ब्लॉगर इन हिंदी बना लिया। उसके बाद यहाँ पर से जब भी आपको दूसरा ब्लॉग बनाना होगा तो आप यहाँ पर न्यू ब्लॉग में क्लिक करके इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो ब्लॉग है वो ऐसा दिख रहा है। तो हमारा ये ब्लॉग का टाइटल है और यहाँ पर अभी कोई भी पोस्ट नहीं है, तो नो पोस्ट यहाँ पर लिखा हुआ रहा। और ये आपका होम पेज है, जैसा हमारा होम पेज था। और ये आपका अबाउट मी सेक्शन है, जो कि गूगल प्लस से आपके बारे में आपकी गूगल प्लस की प्रोफाइल लेके आएगा। और ये यहाँ पर वो जो भी आपका विजिटर होगा वो आपको गूगल प्लस में फॉलो कर सकता है। तो ये थोड़ा सा प्रोफेशनल नहीं लगता है, अगर आप किसी कंपनी से रिलेटेड बना रहे हैं ब्लॉग तो इसको आपको हटाना होगा। मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे हटा सकते हैं। क्या करते हैं, फिलहाल इसके डैशबोर्ड में क्लिक करते हैं। अगर हमें इस ब्लॉग में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो हमें क्या करना होगा, इस में क्लिक करना होगा। जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं तो ये मेन आपका उस ब्लॉग का पूरा डैशबोर्ड है। यहाँ से आप अपना पूरा ब्लॉग जो है मैनेज कर सकते हैं।